प्यार अंधा होता है। ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी, क्योंकि प्यार कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा, सब जगह इस प्यार को ऐसे पेश किया जाता है जैसे इससे ऊपर कुछ नहीं। हालांकि वास्तविकता में सभी को हैप्पी एंडिंग मिले और प्यार का अंजाम अच्छा ही हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। इसका एक उदाहरण बीते जमाने की पॉपुलर एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की जिंदगी है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने जमाने की बेहद खूबसूरत अदाकाराओं में से शुमार की जाने वाली एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में। मीनाक्षी शेषाद्री, अगर आप में अभिनय की कला है को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिल सकती है। हालांकि कई लोग मीनाक्षी की सफलता के पीछे राजकुमार संतोषी का बड़ा हाथ मानते हैं, पर सच तो ये है कि मीनाक्षी एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ उम्दा डांसर भी थी। उनकी अदाकारी में उनका नृत्य सबसे सशक्त पक्ष होता था। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 को सिंदरी झारखंड में हुआ था। उनके बचपन का नाम शशिकला शेषाद्री था, जिसे बाद में राजकुमार संतोषी ने फिल्मों में आने के बाद बदल दिया। अब इनकी फैमिली के बारे में बात करें तो मीनाक्षी शेषाद्री के माता पिता मूलतः तमिलनाडु से आए थे। इनके पापा का नाम है पेनाथुर शेषाद्री, जो कि झारखंड में एक फर्टिलाइजर प्लांट के ऑफिसर के तौर पर कार्यरत थे। वहीं इनकी मम्मी का नाम सुंदरी शेषाद्री है, जो कि हाउसवाइफ के तौर पर अपना घर संभालती थी और इससे शादी से एक बेटे और दो बेटियों के माता पिता बने। लेकिन पेनाथुर शेषाद्री शादी के बाद अपनी पूरी फैमिली के साथ झारखंड शिफ्ट हो गए थे। मम्मी पापा के बाद अब बात करते हैं मीनाक्षी शेषाद्री के भाई बहनों की, तो आपको बता दें कि इनके भाई का नाम है शेखर शेषाद्री, जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं। वहीं इनकी बहन का नाम है निर्मला, जो कि उम्र में मीनाक्षी से बड़ी हैं, पर झारखंड में खनन उद्योग में काम करने के कारण उनके पिता को झारखंड में बसना पड़ा। मीनाक्षी शेषाद्री की पढ़ाई झारखंड के अलावा दिल्ली के कार्मेन कॉन्वेंट स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने बचपन में ही भरतनाट्यम सीखा। इसके बाद आगे जाकर उन्होंने चार अन्य शास्त्रीय नृत्यों को भी सीखा। पढ़ाई के दौरान ही साल 1981 में उन्होंने मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 17 साल की ही उम्र में भारत की सबसे कम उम्र की मिस इंडिया बनी। 18 साल की उम्र से ही उनके पास मॉडलिंग और फिल्मों के ढेरों ऑफर आने लगे। सन 1982 में फिल्म पेंटर बाबू से मीनाक्षी ने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन इस फिल्म से उनके करियर को कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके अगले ही साल आई सुभाष घई की ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो सुपरहिट रही। और इसने मीनाक्षी को फिल्म इंडस्ट्री में हिट करवा दिया। इसके बाद तो मीनाक्षी शेषाद्री ने लंबे अरसे तक पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। दामिनी में बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा चर्चा मिली। उनकी बहुत सारी फिल्में सफल और हिट भी रही, जैसे धातक, आदमी खिलौना है, क्षत्रिय, अल्लाह रखा, साधना इत्यादि। टीवी पर पहली बार वर्ष 1999 में शेखर सुमन के टॉक शो मूवर्स एंड शेकर्स में नजर आई थी। साल 2016 में आई फिल्म घायल वंस अगेन में उन्हें फिर से ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। 1996 में आई सुपरहिट फिल्म धातक उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसके निर्देशक राजकुमार संतोषी थे।
माना जाता है बॉलीवुड में राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी के करियर में अहम रोल अदा किया। राजकुमार संतोषी ने एक समय अपनी अधिकतर फिल्मों में मीनाक्षी को ही हीरोइन के रूप में साइन किया, जिसमें घायल, दामिनी, धातक जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल थीं। मीनाक्षी को लगातार अपनी फिल्मों में लेने का राज उस समय खुला जब संतोषी ने एक दिन मीनाक्षी के आगे अपने प्यार का इजहार कर दिया। हालांकि मीनाक्षी ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसे लेकर कहा जाता है कि वो अदाकारा के इंडस्ट्री से विदा लेने का कारण बन गया। बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स देकर इंडस्ट्री में छा जाने वाले कुमार सानू ने जब पहली बार मीनाक्षी को देखा तो वह उन्हें दिल दे बैठे। उस दौरान वे पहले से शादीशुदा थे। इसके बाद जो हुआ उसे लेकर अलग अलग बातें कही जाती है। कुछ लोगों का कहना था कि ये सिंगर का एक तरफा प्यार था, तो कुछ दोनों के ही इस रिश्ते में शामिल होने की बात कहते हैं। लेकिन अंजाम जो हुआ उसने कई लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। एक और जहां कुमार सानू का पहली पत्नी से तलाक हो गया, तो दूसरी ओर मीनाक्षी करियर के टॉप पर होते हुए भी उसे अलविदा कह गई। कहते हैं कुमार सानू और मीनाक्षी का रिश्ता करीब 3 साल चला। इसके बाद इन्होंने हरीश मैसूर नामक एक अमेरिकन इन्वेस्टर से शादी कर ली। साजन मेरा उस पार है को दिल में करार है। आज उनका एक बेटा और एक बेटी है। मीनाक्षी शेषाद्री अपने परिवार के साथ इन दिनों टेक्सास में रहती हैं और वहाँ वह नृत्य भी सिखाती हैं। मीनाक्षी शेषाद्री को लोग आज भी बेहतरीन अदाकारी और नृत्य के लिए याद करते हैं। वहीं कुमार सानू ने भी दूसरी शादी की, जिसके बाद उनकी 2 बेटियाँ हुई। दोनों ही सितारे अपनी अपनी ज़िंदगी को नया रूप देने में कामयाब रहे। मीनाक्षी शेषाद्री को अधिकतर घर का खाना बहुत पसंद है। उनके पसंदीदा हीरो हैं अमिताभ बच्चन और उनकी पसंदीदा अभिनेत्री वैजयंती माला। उनकी पसंदीदा फिल्म है अमर अकबर एंथनी। मीनाक्षी का हिंदी सिनेमा में सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। इन्होंने लगभग 35 साल तक सिनेमा की दुनिया में काम किया। मीनाक्षी को साल 1986 में स्वागत फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। साल 1991 में फिर से इनको फिल्म जुर्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। साल 1994 में इनको फिल्म दामिनी के लिए अवार्ड मिला था। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।